तो नेपाली बस्ती और इस तरफ फॉरेस्ट है, तो मेन हाई रोड है और इस तरफ से जाते हैं गरकटा और इधर से धूपगुड़ी। और हे गाइस, हम लोग हाई रोड पे चढ़ गया, तो हम लोग अभी सीधा जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है, पैदल भी जा सकते हैं हम लोग, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ रहना। और हम लोग जाएंगे इधर से रास्ते के उस पार से, और यहाँ पे पास ही एक हॉस्पिटल है, सफोजर हॉस्पिटल। छोटा हॉस्पिटल, उतना बड़ा नहीं है, तो धूप की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग रास्ते पार होंगे, उस तरफ पार होना पड़ेगा। तो वो नेपाली गाँव सच में एक सुंदर गाँव है। तो उस तरफ फॉरेस्ट है, नदी है, बहुत सुंदर नदी है, तो गाड़ी भी है बहुत ज़्यादा। तो गाड़ी तो नहीं है ना, ठीक है, चलो पार चलो। और ये दिखाई दे रहा कि नहीं पता। तो ये है सकवाजरा हॉस्पिटल, वो धीरेन दुकान के आगे ही पड़ता है, और इस तरफ से जाएगा वो नेपाली बस। इधर से सीधा जाना पड़ेगा, एक देश हो जाना भाई, से सीधा जाना पड़ेगा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, और ये पूरा एरिया नेपाली गांव है ना, ये पूरा एरिया नेपाली। इधर बंगाली तो नहीं है, रास्ते के उस पार बंगाली है, लेकिन इस गांव पे पूरा नेपाली है। ये जितना भी घर है इधर, सब ये नेपाली घर है। तो इस गाँव का नाम क्या है? नेपाली बस्ती कहते हैं ना, वो नेपाली बस्ती है, तो धूपगुड़ी के अंदर भी पड़ता है ना। और सच में गांव बहुत सुंदर है, सारी तरफ हरियाला, एकदम पेड़ ही पेड़। तो हम लोग जा रहे हैं अभी सीधा, पैदल ही चल रहे हैं हम लोग। और इधर से बहुत सारा गाड़ी भी जाता है, इधर से पत्थर लेके जाके बेचता है। तो सच में गांव बहुत सुंदर है, ये गांव एकदम शांति, बहुत अच्छा है। तो भाई को भी बहुत धन्यवाद, तो भाई टाइम दिया मेरे लिए, इतना दूर घुमाने के लिए लेके आया, इसलिए भाई को भी बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वेलकम। तो सच में सुंदर है गांव, तो टाइम मिलने से आना या इस गांव में, जिसका घर धूपगुड़ी के आसपास है, तो इस गाँव में घूमने के लिए आना, विजिट करने के लिए आना, बहुत अच्छा है। सच में देख रहा हूँ, पूरा हरियाली से घिरा हुआ है, बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलता है यार, की फ्रेश हवा एकदम। हम लोग सामने जाएंगे सीधा, एक नदी है और एक ट्री गार्डन है, चपाती बागान है। तो चारों तरफ भी देख रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा चारों तरफ। चारों तरफ आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और इधर ज़्यादातर आदमी सभी नेपाली है, तो बहुत सुंदर है सच में गांव। सीधा नहीं जाएंगे, इस तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा जाएंगे। सच में यार ये गांव बहुत सुंदर है, कभी कभी मन करता है इधर ही रह जाऊँ, लेकिन क्या करूँ यार, काम भी रहता है तो इसलिए। और इधर जितना सुंदर दिख रहा है, कभी कभी हाथी भी निकलता है ना इधर, तो डर भी रहता है थोड़ा, कभी कभी हाथी निकलता है, बहुत सारा हाथी एक साथ आता है, तो थोड़ा डर भी रहता है। रात को निकलता है, दिन को नहीं निकलता है, कभी कभी सुबह भी निकलता है ना हाथी, तो कभी कभी सुबह को भी निकलता है और रात को भी निकलता है, एक दो नहीं, कभी तो 10-12 करके निकलता है। मैंने तो एक बार खुद ही देखा था, एकदम वो दीवार है ना, तोड़ दिया था वो, 12 दिन के समय, 25 दिसंबर था, हाँ अभी भी याद है, 25 दिसंबर था, रात को निकला था, बहुत सारा मोटा दीवार है, तोड़ दिया भाई, इतना खतरनाक है। लेकिन सच में ये गांव सुंदर भी है, आप लोग इधर विजिट करने के लिए आना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सामने
देखने के लिए एक टी गार्डन है, बहुत अच्छा टी गार्डन है, और एक नदी भी है। उस नदी का नाम क्या है? डुडुआ नदी। डुडुआ नदी है, तो नदी भी है और एक गांव तो है ही, बहुत सुंदर। और दिखाऊंगा, दिखाएंगे हम लोग अभी, अभी जाएंगे तो आ ही गया टी गार्डन, तो बहुत सुंदर है, चारों तरफ है ना, जंगल ही जंगल है। देखो ये देख रहे हो आप लोग, चापाती बागान, और हम लोग चापाती बागान के साइड साइड पे चल रहा है। इस तरफ भी है, इस तरफ ज़्यादा नहीं है, इस तरफ भी है। और ये आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे उठ के पहरा देता है ना, हाथी निकलता है ना, इसलिए पहरा देता है यहाँ पे। बहुत अच्छा है ये, देखो बहुत बड़ा है, और चारों तरफ जंगल है। पहले शायद इधर भी जंगल था लेकिन अभी नहीं है। और इस तरफ ट्री गार्डन है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो आप लोग, बाद में आप लोगों को अच्छे से दिखाएगा, अंदर घुसेगा टी गार्डन का घुस के दिखाएगा, पहले हम लोग सीधा जाते हैं। और एक सुंदर सा छोटा माठ है, मैदान है, सुंदर सा आप लोग दिख रहे हो। और यहाँ पे गोरू छोड़ दिया, सब गांव का ही है, बाद में अकेला अकेला चला जाएगा जिसका जिसका गोरू है। देखो यार गांव का नज़ारा कितना सुंदर है, हे गाइस देख सकते हो आप लोग, ये नदी है और उस तरह वो फॉरेस्ट है, जो वो है वो फॉरेस्ट है और ये नदी है, और इस तरफ टी गार्डन है। तो हम लोग अभी इस तरफ जाएंगे, और कीचड़ भी है बहुत। हे गाइस बहुत सुंदर नज़ारा है, इस तरफ नदी है और फॉरेस्ट है, नदी के पीछे वो जो दिखाई दे रहे, पता नहीं दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे, उस तरफ फॉरेस्ट है। तो हम लोग अभी सीधा जा रहे हैं टी गार्डन पे, अभी घुसेगा, तो वीडियो को देखते रहिए आप लोग, अच्छा लगेगा आप लोगों को। हम लोग अभी टी गार्डन पे घुस गया, चापाती बागान पे, और ये चापाती बागान बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये चापाती बागान ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है लेकिन सुंदर है। देख रहे हो आप लोग, तो और ज़्यादा देर वीडियो नहीं बनाएंगे। तो अभी तक मेरे चैनल पे जो नया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।